हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइज, ये वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ कुक करके बनाने वाली हूँ घर पे। तो जो मैं चीज़ मैं बना रही हूँ आप देख सकते हैं, मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है, पर मैं चिकन का क्या आइटम बनाऊँगी। और गाइज, एक चीज़ बता दे रही हूँ, बहुत ही लो मतलब होता है ना लो फैट, बहुत ही हेल्दी एंड काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में बनने वाला ये चीज़ है। मैक्सिमम आपको 10-15 मिनट में बन जाएगा ये जो चीज़ मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी। तो अभी ये देखिए सीटी लग रही है, 5-6 सीटी का आपको वेट करना है। चिकन को पानी में अच्छे से बॉईल करना है और उसके बाद क्या करना है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं। मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, रिफाइंड ऑयल, उसको मैंने जो स्लो फ्लेम में मीडियम फ्लेम में गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ मैंने सामग्री ली है ना, बस इतना ही है, ये जो डिश है उसमें बस इतना ही डलने वाला है, इतना सामग्री। और एकदम इजीली, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मेस में रहते हैं, या फिर जिन लोगों का इंडक्शन पे खाना बनाते हैं, ज़्यादा सुविधा नहीं है खाना और कुकिंग बनाने के लिए, उनके लिए। तो पहले तेल को गर्म किया, उसमें हल्का सा नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद मैंने अच्छे से इसमें थोड़ा प्याज डाल दिया। और अब हम लोग इसमें और कुछ कुछ चीज़ें डालेंगे। और जो प्याज है ना, जब तक वो अच्छे से पिंक ना हो जाए तब तक हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से सौते कर लेंगे। बिकॉज़ अगर आप अच्छे से इसको जब तक थोड़ा फ्राई नहीं करोगे ना, तो टेस्ट अच्छे से निखर के नहीं आएगा। तो जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ, सस्पेंस को ख़त्म करते हैं, वो है चिकन सैंडविच। एंड चिकन सैंडविच वो भी काफ़ी लो फैट सैंडविच है, इसमें ना मेयो है ना इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको, चीज़ भी नहीं है, ज़्यादा बटर भी नहीं है। लो फ्लेम में ये आराम से पकेगा। अभी देख सकते हैं मैंने थोड़ा फ्लेम लो किया। अभी मैं अच्छे से इसको जस्ट प्याज को फ्राई कर दे रही हूँ ताकि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पिंक पिंक हो जाए। इसमें थोड़ा सा नमक भी दिया हुआ है ताकि छींटे ना पड़े। और उतने में मेरा चिकन बॉयल जो था उसमें 5-6 सीटी लग गया और चिकन भी बॉयल हो चुका है। आप चाहें तो चिकन का जो स्टू है, जो वाटर है, आप उसे फेंक भी सकते हैं या आप उसका सूप भी बना सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। बट मैं तो क्योंकि चिकन सैंडविच बना रही हूँ और एकदम लो फैट सैंडविच है, जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के हैं, बाकी अगर कोई भी लोग हैं जो लोग थोड़ा सा डाइट फूड खाना चाहते हैं, डिनर में एज डिनर इसे खा सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसे डिनर में ही खाने वाली हूँ, सिर्फ चिकन सैंडविच। और ये देखिए मैंने हल्दी लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया, अभी मैं थोड़ा धनिया डाला मैंने चुटकी भर, फिर थोड़ा सा मैं हल्दी डालूंगी और 2 ये थोड़ा सा पेपर होता है ना, ब्लैक पेपर, वो डाला, थोड़ा सा हल्दी डाला, नमक डाला। एंड यहाँ पे देखिए एकदम थोड़े से मात्रा में, और ये देखिए थोड़ा बटर मैंने लिया और ये ग्रीन चिलीज़ को मैंने अच्छे से चॉप कर दिया था, 2 ग्रीन चिलीज़ थे उसको मैंने डाल दिया। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करते करते जब तक इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा उतने देर तक मैं इसको मिक्स करूँगी। अब देख सकते हैं धुआँ पूरा निकल रहा है, अच्छे से ये पक चुका है। तो अभी इसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने वाली हूँ वो है अपना जो चिकन था उसको मैं एक जगह पे निकालूंगी, उसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये देखिए सारा चिकन, अभी इसको मैं छोटे छोटे इसके टुकड़े करूँगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसी से बनेगा। इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, अभी गर्म गर्म है, धुआँ निकल रहा है, इसी से आपका बनेगा सैंडविच। तो आपको जो हड्डी है, जो बोन वाले पार्ट है, उसको आपको हटा देना। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ के आपको दिखाया इस पर। अब मैं फिर से गैस को ऑन करूँगी और ये जो मैंने सौते किया हुआ सारा प्याज, अनियन एंड एवरीथिंग सब कुछ रखा हुआ था, उसमें मिर्च वगैरह रख के डाल के जो मैंने आपको बना के दिखाया था, अब ये देखिए पूरा चिकन का, इसको श्रेडेड चिकन है, अभी पूरा श्रेडेड चिकन मैं एक साथ अच्छे से इसमें डाल दूँगी। और अब हम लोग इसे पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए इतने ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने इसको इसमें डाल दिया और मैं इसको अब अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। और मैंने थोड़ा सा इसके बाद गार्लिक चॉप कर लिया था और ये देखिए शिमला मिर्च भी मैंने चॉप किया था ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो शिमला मिर्च और गार्लिक चॉप करके अगर आप इसे खाओगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी हो जाएगा शिमला मिर्च की वजह से। ये देखिए मैंने डाल दिया, अब मैं इसको अच्छे से, कोई एक्स्ट्रा तेल मैंने नहीं लिया, बस वो जो टेबल स्पून था स्टार्टिंग में आपने जो देखा था बस इतना ही है। और जो बटर भी मैंने लिया है वो मैं सिर्फ टोस्ट को सेकने के लिए यूज़ करूँगी और उसके बीच में मैंने कुछ भी तेल वेल नहीं डाला है, क्योंकि ये एकदम लो फैट और हेल्दी फूड है जो मैं अभी दिखा रही हूँ। अच्छे से हम लोग इसको मिक्स करते रहेंगे, तब तक मिक्स करेंगे और चलाएंगे इसको लो फ्लेम में जब तक मुझे चिकन में ये सारा फ्लेवर्स अच्छे से अंदर ना घुस जाए। तो देखिए गाइस, जिन लोग ज़्यादा कुकिंग नहीं कर पाते या फिर उनको अपने लिए कुछ डाइट फूड बनाना है जो 10 मिनट में हो जाए, उनका वर्क शेड्यूल ऐसा है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता अपने लिए ज़्यादा कुक वगैरह करने का, या कभी कभार ऐसा मन होता है ना कि कुछ लाइट खाएं और नहीं खाने का मन होता है ज़्यादा, तो ये डिश अंडर 10-15 मिनट्स में आप इसको बना सकते हो।
अभी देखिए अच्छे से ये धुआं छोड़ चुका है क्योंकि काफ़ी अच्छे से इसके साथ इसमें फ्लेवर्स में ये मिक्स हो चुका है। आप चाहें तो लिड को 2-5 मिनट के लिए बंद भी कर सकते हैं। मैंने लिड बंद किया था 2-3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से उसमें फ्लेवर्स घुस जाएँ चिकन के अंदर। ये देखिए इसको करने के बाद अब मैंने लिड को खोल दिया एंड अब बारी है, मैं ये थोड़ा सा स्पून से लूँगी और ये जो वाइट ब्रेड है ना, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो, मुझे वाइट ब्रेड से मन था क्योंकि वाइट ब्रेड से हल्की सी थोड़ी स्वीटनेस आती है ब्रेड के साथ खाने में, तो मैंने वो अभी स्पून से इसमें डाल दिया, अच्छे से स्प्रेड कर दिया। और ये देखिए आप इसे एज अ चिकन सलाद भी आप इसे खा सकते हो, तो ये देखिए। और अभी स्टार्ट होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये देखिए दोनों ब्रेड में मैंने थोड़े थोड़े चिकन लिए, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, बहुत ज़्यादा लोगे तो ब्रेड टूट जाएगा मतलब बीचों बीच, इसलिए आपको मीडियम में हाफ इधर डालिए हाफ दूसरे वाले ब्रेड में डालिए, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। और एक मतलब सॉस पैन या फिर कुछ भी ले सकते हो आप, उसमें आप थोड़ा सा बटर डालिए जो भी मैं आपको दिखाऊँगी करके। और जितना क्वान्टिटी मैंने बनाया था 200 ग्राम चिकन लेके, उस क्वान्टिटी में एटलीस्ट आपका 6 पीसेज सैंडविच शायद बन जाएगा। और ये डिपेंड करता है आपके क्वांटिटी में और आपके ब्रेड साइज़ में कि आप कौन सा साइज़, मीडियम साइज़ ब्रेड यूज़ कर रहे हो कि थोड़ा लार्ज वाला साइज़ यूज़ कर रहे हो, बट हाँ 6 ब्रेड तो आई थिंक इजीली बन जाएगा। 2 तो मैंने यूज़ किया और उसके बाद देखिए कितना सारा बचा हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है और 3-4 सैंडविचेज़ और बन जाएंगे। तो मेरा एपेटाइट थोड़ा कम है तो मैं इस तरह का, मेरे लिए एक ही मोर देन इनफ है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये बन गया एकदम टेस्टी सा सैंडविच। और अभी देखिए मैंने इसको दोनों ब्रेड में थोड़ा थोड़ा सैंडविच ले लिया है, अब इसके बाद का प्रोसीडियर मैं आपको दिखाऊंगी, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। बहुत इजी है, दोनों ब्रेड को एक के ऊपर एक रखिए, जो एक्स्ट्रा गिर रहा है उसे हटा दीजिए और एक पैन आप थोड़ा सा लो फ्लेम पर गर्म करके रखिए, उसमें आप थोड़ा सा बटर आपको यूज़ करना होगा। आप चाहो तो ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हो, बट मुझे बटर नहीं डालना था इसलिए मैंने पैन में थोड़ा सा बटर, अमूल बटर ले लिया था, 1 टेबल स्पून से भी कम, 1/2 टेबल स्पून था। और जब ये बटर थोड़ा गर्म हो गया आप देख सकते हैं, मैंने जस्ट उस बटर के ऊपर इसको रख दिया, ये देखिए। और इसको रखने के बाद अब मैं उसको जस्ट वेट कर रही हूँ कि ताकि वो अच्छे से सिक जाए, और सीकने के बाद आप इसको पलटी कर सकते हो थोड़ा सा ऊपर में भी, आप चाहो तो हल्का सा बटर लगा लीजिए, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा बटर, इतना थोड़ा आप देख सकते हो मैंने अपने फिंगर से लिया, एकदम थोड़े से क्वांटिटी में। और ये फिंगर से लेने के बाद मैंने जस्ट अपने ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा इसे लगा दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया मैंने, अच्छे से बस हाथ से लगा के मैंने इसे छोड़ दिया। अब जब मैं इसको फ्लिप मारूँगी तो दोनों साइड अच्छे से हो जाएगा, ये देखिए। तो ये है मेरा चिकन सैंडविच विथ लो ऑयल एंड लो फैट, एकदम तैयार। और इसके अंदर का जो फिलिंग था, जो चिकन मैंने बनाया था, वो आप एज अ सैलड भी खा सकते हो। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।